नमस्कार दोस्तों, राव जी डेयरी फार्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए देसी गोवंश पर हर रोज एक से बढ़ के एक गोवंश आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो जो हमारा ये चैनल है राव जी डेयरी फार्म, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो हमारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जो भाई हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो भाई हमारे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इतना प्रेम प्यार कर रहे हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर और आपका राव जी डेयरी फार्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट टाइम के अंदर जो बछड़ी है, जिसने पहली बार अभी बच्चा दिया, वो भी मेल काफ है। तो मेल काफ के साथ में फर्स्ट टाइम वाली बछड़ी है। फर्स्ट टाइम के अंदर अभी इसकी करीब 11.5 से 12 लीटर अभी की इसके खीस तैयार हैं और इसकी डिलीवरी को 2 दिन हो गए हैं। तो 2 दिन के अंदर इसने लगभग 11.5 लीटर भी खीस तैयार कर लिया। और अगर इसकी मिल्क कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 14 लीटर करीब ये खीस डाल देगी, और अभी फर्स्ट टाइम के अंदर है। तो जो भी भाई इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहे तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिए गए हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है और उसकी और अधिक डिटेल ले सकता है। जो भाई इसकी शाम की अगर इसकी मिल्किंग वीडियो देखना चाहता है, शाम की, सुबह की, जब भी जितने टाइम इसकी मिल्किंग की वीडियो चाहिए, तो वो मैसेज बॉक्स में जाके भी मिल्किंग वीडियो अपने देखने के लिए खुद का व्हाट्सअप नंबर ऐड कर सकता है। और नहीं तो ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आपका नाम एड्रेस लिख के इस पर भेज सकता है, जिससे कि आपको एक टाइम की चाहिए या 2 टाइम की चाहिए तो आपको मिल्किंग वीडियोस की अवेलेबल हो सके। तो इसकी कीमत की बात की जाए तो ये 38,000 की, यानी 38,000 रुपये की, मात्र 38,000 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। तो जो भी भाई खरीदना चाहे इसको परचेज कर सकता है। और आपको लाइव मिल्किंग दिखा रहे हैं, तो अभी बच्चे का दूध पिला के फिर इसका दूध निकाला जाएगा, तो आप देख सकते हैं कितने शांत स्वभाव की है, जो कि आराम से खड़ी है, किसी तरह से पैर उठाना या लात मारना या वो चीज़ नहीं है। फर्स्ट टाइम में होने के बावजूद भी किसी तरह का पैर उठाने वगैरह की किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये साहिवाल और रेड सिंधी के गाय के मिक्स का रूप है ये, तो इसका हम्प भी आप देख सकते हैं, नाभि भी आपने जो चला के दिखाई दी, नाभि भी आपने देखी होगी। और आप देख सकते हैं जो नाभि का साइज है वो भी साहिवाल के अंदर है, अच्छा गलकम्बल, अच्छी पीठ पुठे की है। तो आप अच्छी तरह से मिल्किंग देख सकते हैं, अब मिल्किंग देख रहे हैं। साथ में एक मेरे दिल के अंदर एक छोटी सी बात थी जो मैं अभी भाइयों से शेयर करना चाहता था। साथ में आप भाई सब जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को देखिए, इसकी गाय की लाइव मिल्किंग देखिए। साथ में एक छोटी सी बात है जो अब मैं आपके साथ में मेरे दिल में थी, जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपने बहुत सुना होगा, ये चल रहा है, काफ़ी चर्चा में चल रहा है, जो डॉक्टर रेड्डी है हैदराबाद से, प्रियंका रेड्डी, जिनके साथ ये ऐसा हादसा हुआ है। यहाँ पे प्रशासन भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी इतना कर रहे हैं तो भी ऐसी वारदात हो रही है। जैसे पहले निर्भया कांड को ले लीजिए, निर्भया केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। और अब ये जिनका ये टाइम बताया गया है, तो ये 9 बजे के करीब ये टाइम था जिनके साथ ऐसे अपने टोल प्लाजा के साथ अंदर हाथापाई हुई है, या उनको गैंग रेप जो किया गया है, बहुत ही दर्दनाक, जो सुना भी नहीं जा सकता और देखना तो क्या सुना भी नहीं जा सकता। तो सुनने से भी दिल कांप जाता है कि अपनी जो बहन बेटियां हैं जो किस तरह से सेफ है या क्या करना चाहिए। तो जो कि कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया जाता है, पता नहीं चलता कि क्या, हाँ जी उसको पकड़ जरूर लिया जाता है, अपराधी को पकड़ लिया गया है, पर उनका ये चीज़ का नहीं पता चलता कि उसको कब छोड़ दिया जाता है। उस वक्त तक तो न्यूज वाले भी बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और किसी तरह की कोई खबर नहीं आती, तो उनको पता नहीं चलता कि कब उसको छोड़ दिया जाता है। तो जब भारत देश की पूरी जनता एक ही चीज़ के लिए डिमांड कर रही है कि उनको जो भी वो लोग हैं तो उनको डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ करते हैं तो उनको कोर्ट द्वारा बिल्कुल क्लियर एक रूल निकाल देना चाहिए, जो ऐसी वारदात करते हैं उनको डायरेक्ट सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए, किसी तरह की कोई भी दलील स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ होगी तो इसके बाद में जो दूसरे लोग हैं देखने वाले हैं या सुनने वाली है, तो इनकी एक बार तो उनकी दिल की रूह कांप जाएगी, तो ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे,
सौ बार सोचने के बाद में फिर वो ऐसी वारदात जो बिल्कुल भी रुक जाएगी और अपना देश बिल्कुल सेफ हो जाएगा। तो ऐसा जो नियम अभी बार बार जनता ये अपील कर रही है कि ये उनको फांसी दी जानी चाहिए, उनको फांसी दी जानी चाहिए, पर फिर भी पता नहीं कि क्या चीज़ है जो उनको बीच में रोक के रख रखी है। अभी कोर्ट में जाएगा फैसला, अभी जेल भी हो जाएगी, क्या था क्या क्या इसके अंदर लफड़ा होगा, पर वो जनता जो डिमांड कर रही है उस चीज़ पे किसी प्रकार का उनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैं भी, मेरे एक ही डिमांड है, या मैं सभी जनता के साथ में हूँ, तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, तो बस उनको फांसी पे लटका दिया देना चाहिए। तो आने वाले भी और ऐसी कुछ करने वाले तो सौ बार सोचें कि ऐसा करने से ऐसी बात हो सकती है, तो अपने जो बहन बेटी जो इज्जत है वो बिल्कुल सेफ रहे, कहीं पे भी आए जाए तो बिल्कुल सेफ रहे, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो न्याय प्रक्रिया भी है, तो वो इसी ऐसा एक रूल कर देना चाहिए कि अगर कोई ऐसी कोई वारदात, ऐसा कोई अंजाम वारदात को अंजाम देता है, तो उनके साथ सिर्फ एक ही रूल होना चाहिए, उसको पकड़ लिया जाए और बीच चुराए पर उसको फांसी दे देनी चाहिए। और अगर ये सरकार ये चीज़ नहीं कर सकती है तो इन कुत्तों को जनता के सामने पेश कर देना चाहिए, जिससे कि जनता इनसे खुद निपट सके, इन कुत्तों की एक एक बोटी जनता कर सके और उनको पता चले, और जो दूसरे वाले देखने वाले उनको भी पता चले कि ऐसा करने से क्या हर्ष होता है। तो एक ही दुआ करते हैं कि मालिक इनके परिवार को इतनी शक्ति दे, ताकत दे कि इतने इसे चीज़ से ये गम से बाहर निकल सके। नमस्कार दोस्तों, बाकी आपके साथ में बात कर रहे हैं, गाय की मिल्किंग चल रही है, तो आप देख रहे हैं कि किसी तरह से पैर उठाना करना किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल शांत स्वभाव की है। मिल्किंग कंप्लीट होने वाली है, तो बल्कि हो गई है। आप देख सकते हैं कि बाल्टी के अंदर करीब 5.5 लीटर करीब ये दूध है, और उसके बच्चे को भी पिलाया जा रहा है, तो उसके बाद में कुछ बच्चे के लिए छोड़ देगा, 5.5 लीटर करीब दूध निकाल दिया गया है। जय हिंद, जय गौ माता।